आज का वरदान न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव, आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। ये समस्त दुनिया कलयुग के घोर अंधियारे में कलह और कलेश से, झूठ और पाप से, पांच विकारों के तमोगुणी प्रभाव से जड़जड़ी भूत हो गई है। दुनिया का स्वरूप दुनिया वालों का स्वरूप पूर्णतः देह अभिमान से, दुखदायी वृत्तियों से, ईर्ष्या द्वेष से तमो प्रधान हो गया है। प्रत्येक आत्मा स्वयं को भूल पूर्णतः माया के वश, भोग विलास और स्वार्थ वश हो गई है। संबंधों में कटुता आ गई है। हर इंसान कर्मों के बंधनों में जकड़ा हुआ है। तन मन धन सब अपवित्र बीमारियों और बुराइयों से ग्रस्त हो चुके हैं। इंसान इंसान का ही दुश्मन बन गया है। प्रकृति के पांचों तत्व प्रदूषित हो चुके हैं। कलयुग का यह अंतिम चरण अति भयावह और दुखदायी अंत की ओर बढ़ रहा है। दुनिया अब रहने लायक नहीं है। स्वयं परमात्मा शिव बाबा भक्तों की और दुखियों की पुकार सुनकर इसलिए इस सृष्टि पर आ गए हैं। हमें इस नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाने के लिए, दुख दर्द से निकाल सुखी और समृद्ध बनाने के लिए स्मृति मिलाए ईश्वरीय ज्ञान को। समय के इस पुकार को गहराई से महसूस करें जो कह रहा है कि आप इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है। सृष्टि के पुनरावृत्त होने का समय आ गया है।
अपने मुक्ति धाम वापस जाना है। इस दुनिया के बंधनों को ईश्वरीय याद के बल से तोड़ देना है। विनाशी दुनिया के सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां विनाशी हैं, क्षण भंगुर हैं, फील करें इस वास्तविकता को और न्यारे हो जाएं सब बातों से, सर्व संबंधों से, संपूर्ण दुनिया से। चेक करें मन के सूक्ष्म लगाव की रस्सियों को, कहीं कोई आकर्षण, कोई मोह, किसी के साथ विशेष लगाव, झुकाव या कोई प्रभाव मुझे खींच तो नहीं रहा। ध्यान से चेक करें ये सब मुझे मेरे अविनाशी संबंध से, अविनाशी प्राप्तियों से, भविष्य प्रलब्ध से वंचित करने वाले हैं। तोड़ दे पुरानी दुनिया की इन सूक्ष्म रस्सियों को, क्योंकि अब नई दुनिया आने वाली है। पांच हजार वर्ष का ये ड्रामा अब पूर्ण हो गया है। मैं मात्र अपना किरदार निभाने के लिए सृष्टि रंगमंच पर थी। अब मुझे पुनः अपने घर लौटना है। महसूस करें इस सत्य ज्ञान को, जो मुझे सहज ही सबसे न्यारा और एक बाबा का प्यारा बना रहा है। मेरी ये बंधन मुक्त आंतरिक स्थिति, ज्ञान युक्त स्थिति, मेरे मन और बुद्धि को एक के साथ जोड़ रही है। सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों का अनुभव करते जाएं। ये शक्तियां और ईश्वरीय प्यार के प्रकंपन फील करते जाएं। ये मेरी देह और दैहिक दुनिया से न्यारी स्थिति, ज्योति बिंदु आत्मिक स्थिति, मुझे परम ज्योत शिव बाबा का प्रिय पात्र बना रही है।
सहज योगी, निरंतर योगी बना रही है। बाबा ही मेरा सब कुछ है। फील करें आंतरिक एकाग्रचित स्थिति को, द्वंद से मुक्त, बोझों से मुक्त, स्वतंत्र स्थिति को।